जितना सबको पता है कि अपना तकरीबन सिर्फ 48 घंटे हो ऑलमोस्ट दूर है जो कि अपना पोलिंग का जरा प्रोसेस स्टार्ट होना है 20 तारीख को। सो जिस तरह पहला भी असि शुरुआती दौर से मीटिंग करके दसिया जो जो सारा उदो प्रिपेयरनेस बारे से हूं तक भी असि दो चीजा बारे तुम दसागे कि हूं तक जरा प्रोसैस किस तरह चलिया असि कि हूं तक सारिया साड़िया टीमां वगैरह ने रिकवरी वगैरह की है साढ़े हूं तक के इंतजाम की ने पोलिंग लैके फिर उस तो बाद सीपी साहब वालों भी कि हूँ की जेडे अगले 48 घंटे ने जनरल प्रिपेयरनेस की हैगी है और लोगों तो असं की आस से तवक्को रखते हैं कि इन्ह 48 घंटिया किस तरीके विचरन कुछ एक कानूनी पाबंदियां ने जिड़ी कि ताकि अच्छ शाम कैंपेनिंग जी 6 बजे बंद हो जानी है उस तो बाद इमीजिएटली पाबंदियां लागू ने और उन्होंने सू की सहयोग चाहिए बारे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जिक्र करा। सो मैं तुम दस रहा कि अपने जिले के 2218 बूथा के उ पोलिंग हो जा रही है। पोलिंग बूथ सारे स्टेशन जो पोलिंग स्टेशन हर पक्षों तैयार कर ले गए हैं। हर पोलिंग स्टेशन तो वैबकास्टिंग होगी उ कैमराज की जी लाइव फीड हैगी है वो साढ़े तक और ईसीए तक पहुंचेगी। सारिया पोलिंग पार्टीज उन्होंने ट्रेनिंग होकर सारिया पोलिंग पार्टीज मुकम्मल तैयार हो चुकी ने जिड़िया ईवीएम उन्होंने वालों लैके जानिया ने उन्होंने प्रॉपर कमिशनिंग हो चुकी है। 19 तरीक न सवेरे जोड़ा है वक् वक् अपने डिस्पैच सेंटर तो सारिया पोलिंग पार्टियां समेत पुलिस पार्टियां इकट्ठे अपने जोड़ा है डेस्टिनेशन की रवाना होनगियां। उन्होंने हर पक्षों मुकम्मल तैयारी करवाती गई है ट्रेनिंग करवा दी गई है किसी किस्म की और जो लास्ट मिनट उन्होंने गाइडलाइनस या असि हदायत देनिया ने वो भी सारिया दिखाई जा चुकिया ने और डिस्पैच सेंटर के प्रबंध उन्होंने उत्थे खाण पीन के प्रबंध टॉयलेट्स वगैरह के सारे प्रबंध जो पुख्ता कर दिए गए हैं ताकि किसी भी मुलाजम को बाहर ना जाना पवे उत्थे ही सारे इंतजाम होंगे और पोलिंग स्टेशन से जाने उपरंत भी उन्होंने जोड़ा उत्थे रिहायश का खाण पीन के सारे प्रबंध कर दिए गए हैं। बाहरों किसी व्यक्ति पासों किसी किस्म की कोई जी है उन्होंने रोटी खाना देना ये पाबंदी है जो सरकार के फंड उपलब्ध कराए गए हैं उन्होंने तो सारा इंतजाम करवाया जा रहा है। सारी पुलिस फोर्स साढ़े जिन्हें भी पोलिंग पार्टीज ने प्रॉपर सा फूड अरेजमेंट्स वगैरह उत्थे होगा और पोलिंग वाले दिन भी साढ़े सैक्टर ऑफिसर साढ़िया पेट्रोलिंग पार्टीज कट्ठे मूव करेंगे और शाम को वापस कलैक्शन सेंटर से जिस तरह आना है वो काउंटिंग जो काउंटरस बनने ने जिड़िया रिपोर्ट्स इकट्ठिया होनिया ने और ईवीएम्स सारे स्ट्रोंग रूम्स जानिया ने वो सारे स्ट्रोंग रूम्स उन्होंने सिक्योरिटी के सी ए पी एफ की जे दो तीन टायर सिक्योरिटी लगती उन्होंने सारे सारे प्रबंध जोड़े ने पुख्ता कर ले गए हैं। हुण तक का जिहड़ी साडी अचीवमेंट रही है असी काफ़ी सख्ती पुलिस प्रशासन वालों जिला प्रशासन वालों की गई है। साढ़े एम सी सी डिफेसमेंट के तकरीबन 87,000 तो वध इन्हां दी इलीगल पोस्टर्स होर्डिंग्स वगैरह ते कार्रवाई की गई है। 8 एफ आई आर लॉन्च की गई ने एम सी सी वायोलेशन की जिहड़ा एक एफ आई आर लॉन्च है। लिकर दे विच लिसिट लिकर जिहड़ी है 28,638 लीटर जिहड़ी इलिसिट लिकर लिसिट लिकर इलिसिट जी 5,166 लीटर वो और लाहम तकरीबन 1,85,000 जी लीटर है ये बरामदगी की है और 340 एफ आई आर जगिया दर्ज हुई ने। इस तरीके हीरोइन ओपीएम इन्हों की सारी रिकवरी की गई है। 61 एफ आई आर एन डी पी सी है आर्म्स एक्ट के तहत 9 एफ आई आर और इस तरीके एफ एस टी वालों काफ़ी भारी मात्रा के जी है आर डी एक्स की और हीरोइन वगैरह की बरामदगी की गई है उन्होंने वालों 3 एफ आई आर दर्ज की गई हैं। कैश की रिकवरी हूँ तक जी है साढ़े 43 लाख के करीब कैश रिकवर होया है समेत 61,000 डॉलर की रिकवरी जी है वो साड़िया पुलिस और एफ एस टी टीमों वालों की गई है। इस अपने लगातार तकरीबन 5 किलो सोना और इस तरीके जोड़ा है ज्वेलरी जी है 2,260 ग्राम तक की ज्वेलरी जी इलीगल बरामद की गई हैगी है। लसेंस आर्म्स तकरीबन 97-98% के लग छा के सारे जोड़े से इलीगल आर्म्स और लीगल आर्म्स वो डॉट डॉट को देखते हुए सब डिपोजिट किए गए हैं और उस तो बाद पुलिस नाके
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਅਰਬਨ ਚ 25 ਔਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਚ 45 ਰੂਰਲ ਚ 25 ਔਰ ਟ੍ਰਬਲ ਮੇਕਰਸ ਦੀਆਂ ਅਰੈਸਟ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। MCC ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 34 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 597 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਡ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੋਟਿਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ 255 ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। 16,53,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ MCC ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 24,98,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ 19 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 26 ਲੱਖ। ਇਹ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਔਰ ਸ਼ੈਡੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਜ ਨੇ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਐਕਸੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ECA ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ।